बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इस्लामिक टीवी। आज की बड़ी अपडेट हज के बारे में। इजाज़त मिली तो इस साल हज महंगा होगा जी। बड़ा बयान आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब नूरुल हक कादरी की तरफ से। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को मदु किया जाएगा, सऊदी हुकूमत से मनसूबे से आगाह कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से अगर सऊदी हुकूमत ने इजाज़त दी तो इस साल हज ज़्यादा महंगा होगा। हज पर ज़्यादा लागत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को मदू किया जाएगा। इस बात का भी इंकशाफ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी ने किया। उन्होंने कहा कि अभी तक सऊदी हुकूमत ने रवां साल अपने हज मंसूबों के बारे में आगाह न किया। ताहम जद्दा में पाकिस्तान का हज डायरेक्टोरेट सऊदी हज सेक्रेटरीट से मुसलसल रबते में है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत के साथ हर साल नवंबर में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से रवां साल अभी तक दस्तखत नहीं की जा सके। इस तफसार पर कादरी साहब ने कहा कि आजमीने जो वसूल करदा फीस है वो तकरीबन तमाम आजमीन को वापस कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तमाम हज इंतजाम महदूद वक्त में पेशगी करने होंगे। हज अदायगी का जो हतमी फैसला सऊदी हुकूमत को ही करना है। कोरोना वायरस की वजह से इखराजात में इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने अभी से बता दिया है कि अगर आप हज करना चाहते हैं इस साल तो उसके अखराजात पहले से भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यूं समझें कि ये 4-4.5 लाख के करीब आपको अदा करने पड़ेंगे जी। बड़ी अपडेट थी आज की हज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।